और खबर ये है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं रिजल्ट आज जारी होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने, यूपी बोर्ड 2022 से जुड़ी। जी हां, यूपी बोर्ड 2022 का रिजल्ट का इंतजार 52 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं और अब फाइनली उनका इंतजार खत्म हो जाने वाला है। जी हां, आपसे बता दें, बोर्ड के रिजल्ट को लेकर सरकार ने कर दी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी घोषणा। आपसे बता दें कि इस दिन आप सभी के नतीजे वो जारी हो जाएंगे और इस दिन आप सभी का रिजल्ट फाइनली आपके पास पहुंच ही जाएगा। ये सरकार की तरफ से हो चुका बड़ा ऐलान। जी हाँ, इसके साथ ही आपको इस बार बताने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी को पास किया जाएगा और कितने प्रतिशत विद्यार्थी को फेल किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला है कि इस बार कोरोना जो 2022 के अंदर था उससे काफी लंबे होते स्कूल कॉलेज बंद रहे थे, उसका आपको कितना है वो लाभ मिलने वाला है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देने वाले हैं कि कितने प्रतिशत आपके नंबर आएंगे तब आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ अहम बदलाव किए गए हैं और जो बोर्ड के अधिकारी हैं उनकी तरफ से दो बड़े खुलासे कर दिए गए बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर, वो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो तमाम अपडेट के लिए बने रहे आप इस वीडियो में एंड तक और देखिए हमारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको यूपी बोर्ड से जुड़ी जो भी कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी आप सभी को बता दें, यूपी बोर्ड 2022 के विद्यार्थी काफी लंबे वक्त से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और फाइनली उनके रिजल्ट को लेकर आज सरकार की तरफ से हो चुका बड़ा ऐलान। सबसे पहले बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, माने तो मई में आपका रिजल्ट आने की घोषणा की गई थी लेकिन फाइनली आपका मई महीने में रिजल्ट नहीं आ पाया और अब आपकी जून आ चुका है, मई महीना बीत चुका है और इसी बात को ध्यान में रखते आज सीएम योगी और शिक्षा मंत्री के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई जिसमें रिजल्ट को लेकर चर्चा की गई कि इस दिन आप सभी का फाइनली रिजल्ट जारी हो जाएगा और सरकार ने इसके साथ में काफी सारे अहम बदलाव भी किए हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि इस बार इतने नंबर बनेंगे तो आप सभी को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी वितरण किए जाएंगे और आप सभी को कोरोना का भी बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ये भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। और सरकार ने यह भी कहा कि इतने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे और इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे, ये भी सरकार की तरफ से हो चुका बड़ा ऐलान। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की मीटिंग में क्या हुआ। जी हां, आप सभी बता दें, अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि इस बार आप सभी का रिजल्ट है बहुत ही जल्द अब जारी किया जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या वो लेट हो चुका है और उनके अगला सत्र वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित पड़ रहा है और वो अगली क्लास में जाने के लिए भी हिचकिचा रहे हैं कि हम आगे कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, टेंथ वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं। इसके अलावा जो ट्वेल्थ वाले विद्यार्थी वो ये सोच रहे हैं कि हम जो कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन ले। तो फाइनली इसी बात का ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों को 5 जून तक आप सभी का रिजल्ट वो जारी हो जाएगा, ये सरकार की तरफ से हो चुका बड़ा ऐलान। इसके अलावा सरकार ने कहा कि लगभग आपके 40% विद्यार्थी इस बार फेल किए जाएंगे और 60% विद्यार्थी पास किए जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें, सरकार ने कहा था कि यदि कोई भी विद्यार्थी है वो क्वेश्चन का आंसर यदि कुछ भी लिख देता है और वो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे या कुछ ना कुछ नंबर तो दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद में एक चेंजेस कर दिया गया और अधिकारियों की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। पहले अधिकारियों ने निर्देश था कि इस बार खुलकर आप सभी को नंबर दिए जाएं लेकिन फिर सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिया कि इन विद्यार्थियों को है इस बार फेल किया जाए, यानी किन विद्यार्थियों को फेल किया जाएगा वो हम आपको डिटेल दे देते हैं। यदि आपने कोई भी अपनी कॉपी उसके अंदर रुपए रख दिए या फिर आपने उसके अंदर कोई लव लेटर का उस पर लिख दिया है या फिर आपने ऐसा लिख दिया है कि इस बार आप हमें सर पास कर दीजिए कोरोना की वजह से हम पढ़ नहीं पाए तो उन विद्यार्थियों को फेल किया जाएगा, ये आप कान खोलकर आज भी सुन लीजिए। ये सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से बड़ा खुलासा कर दिया गया है। इसके अलावा आप सभी बता दें, उन विद्यार्थियों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है जिन्होंने आंसर के बदले कुछ भी लिखा है और उनको यदि वो गलत आंसर लिखे तो भी उनको नंबर दिए जाएंगे, ये भी सरकार की तरफ से हो चुका बड़ा ऐलान। और इसके अलावा सरकार ने कहा कि इस बार यदि किसी भी विद्यार्थी के 75% से ऊपर नंबर आते हैं तो उसको इस बार है वो स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे और 90% से ऊपर जिसके विद्यार्थी के आते हैं उसको लैपटॉप भी वितरण किए जाएंगे, ये भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हो चुका है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी ऐलान हुआ है कि इस बार आपको बोनस नंबर भी दिए जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं और बोनस नंबर ने आपको एक या दो नंबर नहीं बल्कि 10-10 नंबर दिए जाएंगे। ये बोनस नंबर आपको किसके दिए जाएंगे ये हम आपको जानकर दे देते हैं कि इस बार आपको जो बोनस नंबर दिए जाएंगे वो आपको अच्छी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि आपके कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट से बाहर आ गया, जो आपको सब्जेक्ट बताया होता उससे बाहर का आ गया तो भी आपको अच्छे से नंबर दिए जाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने, जिस पर आप फिलहाल क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और यूपी बोर्ड की जो भी अपडेट है आएगी हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।